हेलो फूडीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कोर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल एगलेस वेनीला कपकेक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो हमारे एगलेस कपकेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और उसमें डाला है 6 चम्मच शक्कर। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर है तो आप पिसी हुई शक्कर का यूज़ करें, उसे घोलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे इसे घोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल जो है वो आपको न्यूट्रल फ्लेवर का लेना है। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया था। अब तेल और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पिसी हुई शक्कर लेंगे तो ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा और घुल भी जाता है आराम से। इसी के साथ में यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही लिया है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 चम्मच वेनीला एसेंस। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मिक्स हो चुके हैं। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम एक छलनी लेंगे और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और उसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। मैदे और सोडे को अच्छे से छलनी से छानकर हम वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देंगे। इससे कोई भी अगर इम्प्योरिटीज़ होगी वो भी निकल जाएगी और आटा जो होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रह जाए। आपको इसे ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है, उससे क्या होगा कि जो हवा होगी जो हमने इसके अंदर फ्लफ़ीनेस क्रिएट किया है वो भी निकल जाएगा। ऑल्सो हम जब भी बेकिंग करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप एक वो जो सेट आता है ना जिसमें 1/4 चम्मच से लेकर 1 कप तक का पूरा रहता है वही मेजरमेंट यूज़ करें। उससे क्या होगा आपकी बेकिंग कभी ख़राब नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी बेकिंग करें तभी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ किया करें। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही स्मूथ सा केक का बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड्स लिए हैं। मार्केट में पेपर के और टिन के मोल्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सारे मोल्ड्स में मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ अंदर। आप तेल भी लगा सकते हैं या बटर से भी ब्रश कर सकते हैं। इससे जब हम डीमोल्ड करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। अब हम 2 चम्मच जो हमारा बैटर है वो हर मोल्ड में डालेंगे, यानी कि आपको मोल्ड को आधे तक फिल करना है ताकि जब ये राइज हो तो उसको थोड़ी जगह मिले। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ। ये जो हम केक बना रहे हैं ये एक बेसिक वेनीला स्पॉन्ज केक है। आप यहाँ से चाहें तो बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि टूटी फ्रूटी, फ्रूट एंड नट्स, चोको चिप। करना क्या होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट आपको उसके अंदर ऐड करना है उसे थोड़े से सूखे मैदे के साथ मिलाकर आप इस बैटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। सूखे मैदे से क्या होता है कि वो जो इंग्रेडिएंट है यानी कि टूटी फ्रूटी या चोको चिप्स वो बॉटम पे नहीं चिपकता है, पूरे केक में अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे 30 मिनट के लिए। जब तक हमारे कपकेक्स बेक हो रहे हैं तब तक इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए हम चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डार्क चॉकलेट लिया है। ये जो चॉकलेट है ये बहुत इजीली बेकिंग शॉप पे या फिर आजकल तो जनरल स्टोर पे भी बहुत इजीली मिलने लग गई हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जनरल चॉकलेट से बहुत सस्ती होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। मतलब 100 से 120 रुपये में आपको ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स मिल जाती है। तो ये बेकिंग में बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ डबल बॉयलर लिया है मैंने, यानी कि एक बर्तन लिया है जिसमें पानी है और उसके ऊपर हम रख देंगे चॉकलेट। ये जो ग्लास है ये हीट रेजिस्टेंट है, इसे हम रखेंगे गैस पे और फिर जो पानी की स्टीम है उसी से चॉकलेट जो है वो मेल्ट होगी। आप माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बाद हमारे जो कपकेक्स हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप एक टूथपिक की हेल्प से इसे सेंटर में इंसर्ट करके देख सकते हैं कि ये टूथपिक अगर क्लियरली बाहर आता है मतलब कि आपकी बेकिंग एकदम परफेक्ट हुई है। तो 20 मिनट बाद आपको एक बार माइक्रोवेव में भी खोल कर देखना है, टूथपिक वाला मेथड यूज़ करना है। अगर आपका केक तब पक जाए तो आप तब माइक्रोवेव को भी बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा कपकेक बन के रेडी हुआ है। और सिलिकॉन मोल्ड्स की जो ब्यूटी होती है वो यही होती है कि इनको डीमोल्ड करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी।
और बहुत ही स्पॉन्जी कपकेक्स यहाँ पे बने हैं। हमारी जो चॉकलेट है वो भी मेल्ट हो चुकी है, तो हम कपकेक्स को भी अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है कपकेक्स को डेकोरेट करने का, और इतने प्यारे कपकेक्स हैं, इतने स्पॉन्जी बहुत मस्त है खाने में भी ये। तो बस इसे एक बार डिप करके थोड़ा सा घुमाना है, और जब हम इसे ऊपर लेंगे तो जितना एक्सेस चॉकलेट होगा वो सारा ड्रिप हो जाएगा, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनी चॉकलेट की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। साथ में मैंने इसके ऊपर थोड़े से नट्स भी डाले हैं, मैंने यहाँ पे काजू यूज़ किया है, आप चाहें तो मिक्स नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कम्प्लीटली इसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं पूरा चॉकलेट और नट्स वाला ड्रामा, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे जो वो हर फूड वीडियो में मैंडेटरी होता है ना, खाने को ऐसे स्लो मोशन में खोल कर दिखाना, वो भी हम शॉट पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए कपकेक को हम अलग करते हैं, और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। सिर्फ 6 कपकेक बने थे और थोड़ा सा एक स्लैब और बना था केक का, बट वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी, और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी।